नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनी और आपका टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। एक नौजवान और शिक्षित व्यक्ति की चिंता एकमात्र उसका करियर है। निजी और सरकारी क्षेत्र में, पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों क्षेत्रों में विभिन्न करियर विकल्प उपलब्ध हैं। एक तरफ ये विभिन्न विकल्प एक विस्तृत विकल्प प्रदान करते हैं, लेकिन दूसरी ओर इनमें से एक को चुनने के लिए भ्रम भी पैदा करते हैं। लेकिन प्रत्येक युवक या युवती के मन में एक बात स्पष्ट होती है कि करियर के चुनाव में उसका चयन करियर के विकास के साथ साथ अच्छा और आकर्षक वेतन का आश्वासन देता है। अच्छा वेतन, उदार भत्तों और नौकरी की संतुष्टि के साथ साथ लाभदायक नौकरी हर किसी की इच्छा है, और कई ऐसे करियर विकल्प हैं जो इन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्षम हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 10 उच्च भुगतान करने वाले करियर विकल्पों के बारे में बताने जा रही हूं, जो आपको करियर के चुनाव में मदद करेंगे। और इस सूची में पहला है प्रबंधन पेशेवर, यानी के मैनेजमेंट प्रोफेशनल का। हालांकि कई भी स्कूल हैं जो प्रबंधन में डिग्री प्रदान करते हैं, परंतु IIM, IIT, FMS, IIFT, सिम्बोसिस और XLRI जैसे प्रमुख संस्थानों से आने वाले लोग बेहतर वेतन प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं और करियर में ज्यादा और जल्दी तरक्की भी पा सकते हैं। आमतौर पर उम्मीदवार अपने व्यवसाय को प्रबंधन प्रशिक्षु या मैनेजमेंट अप्रेंटिस के रूप में शुरू कर सकते हैं और 6 महीने से 1 वर्ष तक के व्यापक प्रशिक्षण का अनुभव कर सकते हैं। अधिकांश कंपनियों के पास भविष्य की नेतृत्व योजनाओं के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, नई भर्ती के लिए अच्छी तरह से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस क्षेत्र में प्री प्लेसमेंट जॉब्स की पेशकश कैंपस रिक्रूटमेंट के माध्यम से की जाती है, जिसके उच्च वेतन पैकेज जैसे 20 से 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष होते हैं। प्रबंधन परामर्श कंपनियां और वित्तीय सेवाएं बेहतरीन प्रतिभा भर्ती करती हैं। इस क्षेत्र में सबसे कम वेतन पैकेज 7 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक है। अगला सबसे ज्यादा वेतन प्रदान करने वाला पद है निवेश बैंकर, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बैंकर भी कहते हैं। निवेश बैंकर का पेशा आमतौर पर विश्लेषण, एसोसिएट, VP, उपलक्ष्य, निर्देशक और MD, प्रबंध निदेशक के 5 स्तरों वाले एक सामान्य मार्ग का अनुसरण करता है। इन सभी विभिन्न स्तरों के लिए वेतन एनालिस्ट के लिए 5 से 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष, एसोसिएट के लिए 7 से 13 लाख रुपए प्रतिवर्ष और VP के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 40 लाख प्रतिवर्ष किया जा सकता है। इन सभी विभिन्न स्तरों के लिए वेतन एनालिस्ट के लिए 5 से 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष, एसोसिएट के लिए 7 से 13 लाख रुपए प्रतिवर्ष और VP के लिए 10 लाख रुपए से 40 लाख प्रतिवर्ष तक हो सकता है। इनके सबसे लोकप्रिय नियोक्ताओं में JPMorgan चेज, गोल्डमैन सैश, ग्लोबोक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और HSBC शामिल हैं। तीसरी पंक्ति में व्यापक रूप से सॉफ्टवेयर और IT इंजीनियर्स पसंद किए जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो बहुत प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में से पास नहीं हैं, उनका भी वेतन 3.5 से 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष के बीच कहीं से शुरू होता है। IITN या अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों से पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वेतन कई गुना हो सकता है। कुछ अनुभव के साथ यह वेतन काफी बढ़ाया भी जा सकता है। एक वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतिवर्ष 6 लाख से 10 लाख, एक प्रोजेक्ट लीड 8 लाख से 13 लाख प्रतिवर्ष और एक कार्यक्रम प्रबंधक 10 लाख से 15 लाख प्रतिवर्ष तक का वेतन ले सकता है। उच्च वेतन के अलावा कई और भी ऐसी सहूलतें हैं जो इस प्रोफेशन का अभिन्न अंग हैं। परंतु इस प्रोफेशन में तरक्की के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नए कौशल के साथ साथ उभरती हुई तकनीकों के साथ लगातार अपडेट रहना होगा। IIT उद्योग हमेशा दुनिया भर में मांग में है और इसीलिए यह कर्मचारियों को अधिकतम वेतन देते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस उद्योग में मंदी देखी गई है, लेकिन उद्योगों के सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर पर निर्भरता बढ़ जाने से इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अगला शीर्ष करियर विकल्प चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। आकांक्षाओं और व्यक्तिगत शक्तियों के अनुसार कोई भी नया CA उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से चयन कर सकता है। कर प्रबंधन, वित्तीय लेखांकन,
लागत लेखांकन, लेखा परीक्षा और बैंकिंग परामर्श जैसे क्षेत्रों में सीए काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ICAI भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के प्रमाणित सदस्य होने की आवश्यकता है। डिलॉयट, ENY, ICICI बैंक एंड PwC भारत में सीए की भर्ती के लिए कुछ अच्छी कंपनियों में से हैं। कोई भी नया सीए प्रतिवर्ष लगभग 5 से 7 लाख रुपए तक कमा सकता है। अनुभव और ज्ञान की वृद्धि के साथ अतिरिक्त MBA की डिग्री वाले सीए लगभग 19 से 24 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में पेशेवर। तेल और प्राकृतिक गैस एक और क्षेत्र है जो बहुत लाभ कमाता है और इसीलिए कर्मचारियों को बहुत अधिक वेतन भी देता है। इसके अलावा अपतटीय ड्रिलिंग से होने वाले मुनाफे पर भारत सरकार का वर्चस्व यहाँ शामिल उच्च वेतन को जोड़ता है। इस क्षेत्र के बेहतरीन व्यवसायों में समुद्री इंजीनियर, भूवैज्ञानिक आदि शामिल हैं। इसमें प्रवेश स्तर के साथ अपेक्षित वेतन लगभग 4.5 लाख से 6 लाख प्रतिवर्ष तक है। भारत के भीतर PSUs जैसे ONGC, भारत पेट्रोलियम और IOCL के साथ सुरक्षित नौकरियों की तलाश कर रहे लोगों के लिए बहुत सारी नौकरियां हैं। ये PSUs 6वें वेतन आयोग के अनुसार अधिक लाभ और भत्ते प्रदान करती हैं। निजी ऊर्जा क्षेत्र में रिलायंस एनर्जी, ब्रिटिश गैस, शेल, हेलीबर्टन एंड शलमबर्ग जैसे शीर्ष नियुक्ताओं के वेतन स्तर बहुत अधिक हैं। 5 से 6 वर्ष के अनुभव के साथ उच्च डिग्री वाले अग्रीन संस्थाओं से आए कैंडिडेट्स प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख रुपए का उच्च वेतन प्राप्त कर सकते हैं। अगला है मेडिकल प्रोफेशनल्स। डॉक्टर्स जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। इनके अलावा एक विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता उन्हें आश्चर्यजनक रिटर्न्स प्रदान कर सकती है। डॉक्टर्स स्टैंडअलोन सर्जरी और निजी अभ्यास से अच्छे पैसे कमा लेते हैं। एक सक्षम सर्जन हमेशा मांग में रहता है और दूसरी एजेंसियों से लगाव के बावजूद उसे अतिरिक्त फीस मिलती है। दंत चिकित्सक भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इस क्षेत्र में सबसे कम वेतन 6 से 10 लाख प्रतिवर्ष और एक विशेषज्ञ सर्जन के लिए कई गुना हो सकता है। चिकित्सा पेशेवरों, वावक्षीय और सामान्य सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक सबसे अधिक कमाते हैं। चिकित्सा पेशेवरों की सामान्य और आपातकालीन दोनों स्वास्थ्य सेवाओं में हमेशा मांग होती है, जिससे इनको भारी मात्रा में धन प्राप्त होता है। निजी क्षेत्र में प्रसिद्ध और विशेष रूप से सर्जन उच्च परामर्श शुल्क लेते हैं। सबसे बड़ी बात, इस पेशे में पैसे के साथ साथ सम्मान भी बेजोड़ मिलता है। इसी तरह मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जैसे अपोलो, स्टर्लिंग आदि नौकरी के अवसरों के साथ साथ पर्याप्त धन भी देते हैं। अगला नंबर है एविएशन प्रोफेशनल्स। एविएशन सेक्टर में आधुनिक समय में उन्नति हो रही है। पेशेवर पायलट्स, स्टीवर्ड्स, ग्राउंड स्टाफ, एयर होस्टेस आदि के लिए निरंतर मांग है। नियमित और जंबो पायलट्स, यात्री या कार्गो एयरलाइंस दोनों का सामान्य वेतन 12 से 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष के बीच होता है। एयरलाइन एयर होस्टेस और स्टीवर्ड्स प्रतिवर्ष लगभग 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं। हवाई यातायात नियंत्रकों का वेतन 8 से 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष है और यह सभी कई अन्य भत्तों, लाभों और अवसरों के साथ आते हैं। अभिनय और मॉडलिंग पेशेवर। मीडिया, मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट निवेश पर अच्छा रिटर्न देने वाले क्षेत्र है। यह उद्योग अपने कर्मचारियों को ग्लैमर और पैसा प्रदान करते हैं। मॉडल और अभिनेताओं जैसे पेशेवर निश्चित शुल्क के साथ अपनी मानक भूमिकाओं के बावजूद उच्च समर्थन मूल्य प्राप्त करते हैं। इवेंट मैनेजर, प्रोड्यूसर, न्यूज रीडर साथ ही ऐसे अन्य अलग अलग प्रोफाइल कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। चरित्र के आधार पर प्रत्येक एपिसोड के लिए एक नए कलाकार को 2,000 से 20,000 के बीच मिलता है और एक अनुभवी अभिनेता को टीवी शो के प्रत्येक एपिसोड के लिए 20,000 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। फिल्म उद्योग में शुरू में कोई भी एक्टर 5 लाख से 50 लाख तक एक फिल्म में भूमिका के लिए ले सकता है। मॉडलिंग के क्षेत्र में कोई भी फ्रेशर लगभग 5,000 से 10,000 प्रति असाइनमेंट और जाने माने मॉडल्स के रूप में तो 25,000 से 50,000 या अधिक की उम्मीद भी कर सकते हैं। अगला व्यवसाय है कानून पेशेवर।
कानून पेशेवर का वेतन उनकी नियोक्ताओं और प्रतिष्ठा के अनुसार मोटे तौर पर भिन्न होता है। आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन सरकारी मानदंडों के अनुसार होता है, जबकि निजी कंपनियों के साथ काम करने वाले पेशेवर 6 से 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष और 4 से 6 साल के अनुभव वाले पेशेवर 10 से 15 लाख प्रतिवर्ष कमा सकते हैं। जो लोग वकील या सलाहकार के रूप में निजी प्रैक्टिस करने का विकल्प चुनते हैं, वह क्लाइंट्स के साथ साथ मामलों की कठिनाई देख के कमा सकते हैं। अमरचंद मंगलदास, लूथरा और लूथरा और एसीबी और पार्टनर्स प्रसिद्ध भारतीय कानूनी फर्म्स हैं। कॉर्पोरेट लॉ में रुचि रखने वाले लोग अलग अलग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कानून विभागों में काम कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा वेतन देते हैं। अगला करियर है व्यवसाय परामर्शदाता, जिसे हम बिजनेस कंसल्टेंट्स के नाम से भी जानते हैं। एक व्यवसायिक सलाहकार के कार्य में ग्राहक की आवश्यकताओं को समझना, ग्राहकों के उद्योग का अध्ययन करने के साथ साथ व्यापार के मामले का समर्थन करने के लिए डेटा बिंदु प्राप्त करना, उद्योग और प्रतियोगी बेंचमार्क प्रलेखन और विश्लेषण आदि करना होता है। आमतौर पर सलाहकार, वरिष्ठ सलाहकार, प्रोजेक्ट लीड, मैनेजर और पार्टनर या डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट से कंसल्टेंट के एक क्षेत्र के करियर पाथवे होता है। एक वर्ष के अनुभव वाले लोगों के लिए वेतन 6 से 10 लाख प्रति वर्ष है और 5 से 7 वर्ष के अनुभव वाले लोगों के लिए वेतन 12 लाख से 15 लाख प्रति वर्ष हो सकता है। भारत में शीर्ष परामर्शदाता कंपनियां अपने कर्मचारियों को जीवन बीमा, विकलांगता पुनर्वास व्यय, अंतर्राष्ट्रीय जोखिम और स्वास्थ्य क्लबों की मुफ्त सदस्यता जैसे अधिक भत्ते प्रदान करती है। इन सभी शीर्ष करियर विकल्पों के अलावा आप खेल, राजनीति, राज्य या केंद्र प्रशासन में सिविल सेवक आदि के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह है आपके लिए कुछ अत्यधिक भुगतान करने वाले करियर विकल्प। आप अपनी रुचि, पसंद और काबिलियत के अनुसार इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए मैं आपके सारे संदेह दूर करने में सक्षम रही होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए टारगेट स्टडी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और शुक्रिया।